तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं लाइव अर्निंग प्रूफ मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसकी इस चैनल की जो मंथली अर्निंग है वो है $339 से $5.4K तक आप यहां पे देख सकते हैं ये मंथली अर्न कमा रहे हैं। और मैं अगर इसे INR में कन्वर्ट करूं तो $339 जो है वो आप देख सकते हैं 27,000 से इनकी अर्निंग स्टार्ट है और लगभग $5,500 तक है। तो अगर मैं यहाँ पे डालूं $5,400 तो आप देख सकते हैं 4.5 लाख के आसपास इनकी अर्निंग है। और ये अर्निंग तब है जब इन्होंने अपने चैनल पर सिर्फ 3-4 वीडियोस ही डाल के छोड़ दी हैं और उसी से कमाई कर रहे हैं मंथली। तो आप भी इस तरीके से कमाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको सबसे पहले लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखा दिया है, बाकी मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेकर आया हूँ जिसमें अगर आप 3-4 वीडियो बनाकर भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे तो उससे आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं और आपकी वीडियो के ऊपर ना तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना ही कोई कॉपीराइट क्लेम आपको देखने को मिलेगा। उससे आप जेन्युइन अर्निंग कर पाएंगे जैसा कि मैंने आपको लाइव प्रूफ में अर्निंग प्रूफ दिखा दिया है। तो ये किस तरीके का चैनल है, कैसे इस तरीके का कंटेंट आप क्रिएट करेंगे, कैसे वीडियो बनाएंगे, कैसे एडिटिंग करेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी बड़ी वीडियो है लेकिन अगर आप इसे पूरा देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और तभी आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे और यूट्यूब से महीने के लाखों रुपए आप भी अर्न कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले YouTube एप्लीकेशन के अंदर जाना है। मैं YouTube एप्लीकेशन के अंदर जाके पहले आपको उस तरीके का चैनल बता देता हूँ कि ये किस तरीके का चैनल है, क्या कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस चैनल को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ उस चैनल को। ठीक है, यहाँ पर मैं उसका नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, जब हम इस चैनल से सर्च करेंगे तो ये सबसे ऊपर ही आ गया, एनिमल बैटल गेम्स। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके चैनल के ऊपर 512K सब्सक्राइबर, मतलब 5,12,000 सब्सक्राइबर हैं और सिर्फ 4 वीडियो इन्होंने यहाँ पे डाली हैं, आपके सामने ही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम इनके वीडियोस में जाएं तो आप देख सकते हैं सिर्फ 4 वीडियो डाली हैं और इनकी पॉपुलर वीडियो 87 मिलियन व्यूज़ हैं इसके ऊपर। 11 महीने पहले ये डाली थी, आप देख सकते हैं इन्होंने सिर्फ 4 वीडियो डाली हैं और इनकी वीडियो पर इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं। किड्स का कॉन्टेंट ये बनाते हैं, बच्चे इस तरह की वीडियोज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमल्स हैं काफ़ी सारे, अगर आप इनकी वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एनिमल्स आगे चलते हैं, भागते हैं। बस यहाँ पे यही है इस वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं खुद प्ले करके। यहाँ पे कोई भी वीडियो आप प्ले करके आप इनके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इनके में सारी वीडियोस में ऐसे ही होता है कि एनिमल्स जो हैं वो आगे की ओर चलते हैं या फिर भागते हैं या उनका कलर चेंज होता है, इस तरह की वीडियोज़ ये बनाते हैं और बच्चे इस तरह की वीडियोज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपके इनके अबाउट सेक्शन में ले जाके अगर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चैनल 19 अप्रैल 2022 में बना था। तो आप देख सकते हैं 1 साल ही हुआ है अभी इस चैनल को और इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है। सिर्फ 4 वीडियो अपलोड की हैं और इनके चैनल के ऊपर 512 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके का चैनल बना सकते हैं, इस तरह का कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि मैं इस तरह का कॉन्टेंट कैसे बनाऊँ, तो उसके लिए अब मैं आपको आगे का प्रोसेस इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसका अर्निंग प्रूफ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वो इसी चैनल का था, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, मैं आपको क्रोम में ले जाके दिखा देता हूँ। मैंने वो चैनल ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रीलोड कर लेते हैं इस पेज को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चैनल है, एनिमल बैटल गेम्स। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको अर्निंग प्रूफ दिया था $339 से 4,500
5.4K डॉलर्स के आसपास, ठीक है। इनकी मंथली अर्निंग हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ वही है। यहाँ पे आप और भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके अपलोड्स यहाँ पे हैं 4 अपलोड्स, 512K सब्सक्राइबर, ठीक है। यही चैनल था जिसका मैंने लाइव अर्निंग प्रूफ आपको दिखाया था। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको इस तरह का कॉन्टेंट कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे उसमें एडिटिंग करनी है, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और हम जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर पे अंदर हम जाएंगे और यहाँ से हम एक एप्लीकेशन सर्च करेंगे यहाँ पे, तो उस एप्लीकेशन का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी है जिसका नाम है एनिमल। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो गेम यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, गेमें है एक तरह की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही आ गई है, यहाँ पे ये वाली एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने इंस्टॉल कर ली है, ठीक है, तो हम बाहर आ जाएंगे। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और अपना स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपको ऑन कर देना है। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन होना चाहिए, क्योंकि हमें इस गेम को अब रिकॉर्ड करना है अपनी वीडियो बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस इसका खुल के आपके सामने आ जाता है, और यहाँ पे गेम स्टार्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करके यहाँ से लेवल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम फर्स्ट लेवल पे हैं, तो हम फर्स्ट लेवल सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद ये कुछ इस तरीके लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरीके से करेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके करेक्टर्स हैं, यहाँ पे ओके पे नीचे आपको क्लिक करना है। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये कुछ लोड होगा और यहाँ पे आपकी गेम आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फंक्शंस भी आ गए हैं। इससे आगे होता है, इससे पीछे होता है, इससे लेफ्ट होता है, राइट होता है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ये कैमरे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर टॉप राइट में ही, राइट में नीचे, ठीक है। कैमरे वाला जो ऑप्शन है उससे आप अलग अलग एंगल से ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब आपको ये प्ले कैसे करनी है, जैसे आपको ये ग्रीन वाला जो बटन है इसको आगे करना है, इस तरीके से ये आगे जाएगा। यहाँ से अलग अलग आप एंगल ले सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको यहाँ पर ले आए। फिर इसको लेफ्ट में हमें लेके आना है, तो हम ये लेफ़्ट वाले पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद एंगल आप चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इसे सीधा करना है, तो इस तरीके से सीधा कर देंगे, और फिर ग्रीन पे क्लिक करके यहाँ से एंगल चेंज करेंगे इसका, ठीक है, इस तरीके का एंगल रखेंगे और इस तरीके से इसको आगे आगे भगाएंगे। ये कट गया, तो इस तरीके से आपको ये गेम करनी है। ऐसे आप दूसरे वाले को आगे लेके जाएंगे, ठीक है, अलग अलग एंगल से आप इसे कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एंगल चेंज कर लें, एंगल चेंज कर करके आप इस तरीके से इस गेम को खेलेंगे और फाइनल आपको वहाँ तक जाना है। इस तरीके से बहुत सारे लेवल आपको यहाँ पे मिलेंगे और इस तरीके से आपको गेम को रिकॉर्ड कर लेना है। अब इस तरीके से हम अपनी वीडियो को तैयार कर लेंगे, 2-3 मिनट की वीडियो। यहाँ पे बहुत सारे लेवल हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको वीडियो क्रिएट करनी है, इस तरह का कॉन्टेंट आपको क्रिएट करना है। अब यहाँ से बाहर आ, अब हमने वीडियो क्रिएट कर ली, अब हमें इस वीडियो में एडिटिंग करनी है। तो उस एडिटिंग करने के लिए हम काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये काइनमास्टर के एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे काइनमास्टर एप्लीकेशन का इंटरफेस आ गया, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको वो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। आपने वीडियो बना ली, अब आपको उसमें कुछ ऐसी एडिटिंग करनी है जिससे आपकी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो उसके लिए आपको कैसे एडिट करना है वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 16:9 जो वीडियो टू वीडियो का रेशियो है वो हमें सिलेक्ट करना है। और उसके बाद हमें जो हमने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है, जो गेमिंग की हमने रिकॉर्डिंग की है, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं इस पे क्लिक करके गैलरी से जल्दी से उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी खुल जाती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और गैलरी से उस फाइल को यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उस फाइल को, उस जो हमने रिकॉर्डिंग की थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, गेम को जो हम खेल रहे थे। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको इसे दोबारा सिलेक्ट करना है और इस पर यहाँ पर पैन एंड जूम का एक ऑप्शन आता है आपके पास, आपको इस पर क्लिक करना है पैन एंड जूम पे। उसके बाद आपको इसे स्क्रीन को पकड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है, आपके साइज़ में आ जाए जो आपकी वीडियो का साइज़ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है जिससे देखने में अच्छा लगे, ठीक है।
आप इसे यहाँ से पकड़ के बड़ा कर सकते हैं, अपनी YouTube वीडियो के साइज़ में ले जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल साइन वाले पे क्लिक करके इसे ओके कर देना है। ठीक है, इस तरीके से होगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहे हैं करेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे करेक्टर्स आ रहे हैं, अभी इसमें आपको और भी एडिटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे करेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल्स लगे हुए हैं। आप चाहें तो आपको जो ये बटन्स दिख रहे हैं, आपको इनको भी छुपाना है। ठीक है, इन बटन्स को आप कैसे छुपाएंगे? इनको छुपाने का एक तरीका और है। जब आप गेम खेलेंगे तो वहाँ पे आपको जो ये गुलाबी कलर का ये आइकन दिखाई दे रहा है टॉप राइट में ऊपर, इसमें तो वहाँ पे गेम में आपको जो ये ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप ये बटन भी छुपा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे छुपाने हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप स्प्लिट कर सकते हैं कैंची वाले से, स्प्लिट एट प्ले हेड। ठीक है, उसके बाद आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और इसको फिर से पैन एंड जूम पे लेके आना है और इसको आपको इस तरीके से जूम कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से जूम कर लेना है और ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप इसे जूम कर सकते हैं, वो बटन हट गए, आप देख सकते हैं अब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और उसके बाद अभी भी इसमें ये सारी एडिटिंग आपको कर लेनी है। अभी भी बच्चे इसे क्यों नहीं देखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे इसे देखना जब पसंद करते हैं, जब इसमें कोई आवाज़ होती है तो अब आपको चाहिए एक नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक यहाँ पे, तो वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक, आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और आपको म्यूज़िक इसमें कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑडियो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे आगे आ जाएंगे हम इस वीडियो में और यहाँ पे ऑडियो का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक आप लेंगे वो आपके यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा और उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं कोई भी एक यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बस सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं कोई भी यहाँ पे एक म्यूज़िक सिलेक्ट कर लेता हूँ इसमें से, जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे ये आपकी वीडियो के अंदर लग जाएगा, ऊपर डन पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से आपकी वीडियो के अंदर लग जाएगा। तो जब आप नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक लगा लें तो उसके वॉल्यूम को आपको इसको इस म्यूज़िक को सिलेक्ट करना है और इसके वॉल्यूम को आपको 50% कर देना है। ठीक है, ताकि ज़्यादा भी आवाज़ ना आए इसकी। तो यहाँ पे मैं इसे 50% या 51% इसके आसपास कर देता हूँ, उसके बाद डन कर देना है। तो अब ये आपकी वीडियो कम्प्लीटली तैयार हो गई है। इस तरह की वीडियो आपको क्रिएट करनी है, कंटेंट इस तरह का क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डन पे ऊपर शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके और अपनी यूट्यूब चैनल पे जाके आपको इसे अपलोड कर देना है। इस तरीके का कंटेंट अगर आप क्रिएट करेंगे तो आप भी महीने के लाखों रुपए कमा पाएंगे और आपको ना कोई कॉपीराइट ना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको अर्निंग। तो फ्रेंड्स, अब आप सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करके आप भी YouTube से महीने के लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।